नमस्कार दोस्तों, भारतीय युद्ध नीति के नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम भारतीय सेना की तुलना पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना के साथ करेंगे। भारत और चाइना, इन दोनों देशों की अगर हम बात करें तो चाइना का क्षेत्रफल है 9.597 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर और भारत का 3.287 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। चाइना का क्षेत्र भारत के हिसाब से लगभग 3 गुना बड़ा है। भारत की अर्थव्यवस्था 2.72 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स की है, जबकि चाइना की अर्थव्यवस्था 13.62 लाख करोड़ यूएस डॉलर्स की है, जो कि भारत के लगभग 5 गुना ज्यादा है। दुनिया के सबसे बड़े आबादी वाले देशों में चाइना और भारत पहले और दूसरे स्थान पर आते हैं। चाइना हर साल अपने बजट में से 261 बिलियन डॉलर डिफेंस यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए रखता है, जबकि भारत केवल 71.1 बिलियन डॉलर्स देश की सुरक्षा के लिए आरक्षित करता है। पूरी दुनिया में देश की सुरक्षा पर सबसे ज्यादा खर्चा करने वाले देशों में पहला स्थान अमेरिका का आता है, उसके बाद चाइना और तीसरे स्थान पर भारत। दोनों देशों के हथियारों में सबसे ज्यादा खतरनाक और शक्तिशाली हथियार है परमाणु हथियार। दोनों देशों में से चाइना के पास लगभग 260 तक परमाणु हथियार है, जबकि भारत के पास 150 से 200 परमाणु हथियार है। ये हथियार काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं, इसलिए यूएन ने इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगाई है। इसलिए जब तक हालत काफी बुरी तरह बिगड़ ना जाए, दुनिया का कोई भी देश इनका इस्तेमाल नहीं करेगा। चाइना और भारत, इन दोनों देशों के पास खुद की अपनी विकसित मिसाइल यंत्रणा है। भारत के पास अग्नि 1, अग्नि 2, अग्नि 3, अग्नि 4, अग्नि 5, ब्रह्मोस, पृथ्वी 1, पृथ्वी 2, पृथ्वी 3, प्रहार, प्रगति, निर्भय और शौर्य जैसे ऐसी कई सारी शक्तिशाली मिसाइल। चाइना के पास देखा जाए तो JL-1, JL-2, Dongfeng-4, Dongfeng-5A, Dongfeng-31, Dongfeng-31A, Dongfeng-41, Dongfeng-21, Dongfeng-21C, Dongfeng-11A और Dongfeng-50 और DH-10 ऐसे मिसाइल्स। भारत की अग्नि 5 मिसाइल्स 5000 किलोमीटर तक का लक्ष्य तक पहुंच सकती है, पर कुछ लोगों का मानना है इसकी असल रेंज 8100 किलोमीटर तक है। पहले ही भारत के अग्नि मिसाइल्स की रेंज इतनी ज्यादा थी, लेकिन अग्नि 5 के वजह से भारत चाइना के किसी भी हिस्से पर आसानी से हमला कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि भारत ने इस मिसाइल का निर्माण केवल चाइना के लिए ही किया है। DH-41 ये चाइना का सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। चाइना की DF-5A ये मिसाइल 8000 किलोमीटर तक पहुंच सकती है, लेकिन भारत जो सूर्य मिसाइल बना रहा है उसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक हो, जिसकी रडार में लगभग दुनिया के सारे देश आ जाएंगे। परंतु भारत के शत्रु भारत के पड़ोसी ही है, जिनका सामना करने के लिए भारत के मिसाइल आज भी सक्षम है। भारत की निर्भय मिसाइल समुद्री जहाजों से भी लॉन्च की जा सकती है। उसी तरह चाइना की DH-10 ये मिसाइल समुद्री जहाजों से लॉन्च की जा सकती है, परंतु भारत की ब्रह्मोस ये ऐसी मिसाइल है जो जेट विमान से भी छोड़ी जा सकती है, लेकिन चाइना के पास ऐसी कोई मिसाइल नहीं है। चाइना के DF यानी डोंगफेंग मिसाइलों में से 3 मिसाइलें ऐसी है जो परमाणु हमले की क्षमता रखते हैं, लेकिन भारत के पास परमाणु हमला करने वाली कोई भी मिसाइल नहीं है। दोनों देशों ने खुद की सैटेलाइट सिस्टम यानी उपग्रह प्रणाली बनाई है। अगर सेना की हम बात करें तो चीनी सेना के पास 20 लाख सक्रिय जवान है, जबकि भारतीय सेना के पास केवल 14,50,000 सक्रिय जवान है। पर दोस्तों, चीन के पास केवल 5 लाख आरक्षित जवान है, जबकि भारत के पास 11 लाख आरक्षित जवान है, जो कि भारत का क्षेत्रफल चीन से 3 गुना कम है। भारत को सक्रिय जवान कम रखने पड़ते हैं, पर भारत का चाइना के मुकाबले सैनिकी बल ज्यादा है और भारत के पास ज्यादा अनुभवी और सक्षम जवान है। भू युद्ध की शक्ति अगर हम देखें तो चाइना के पास 7000 के आसपास युद्ध के टैंक है, जबकि भारत के पास केवल 4800 युद्ध टैंक है। आर्मर फाइटिंग व्हीकल्स की बात करें तो 4800 एफवी चाइना के पास है, जबकि भारत के पास केवल 2900 है। चाइना के पास 1500 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज है, जबकि भारत के पास केवल 250 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरीज है। चाइना के पास 1700 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स है, पर भारत के पास केवल 260 मल्टीपल रॉकेट सिस्टम्स है। पर दोस्तों, चाइना का मेन बैटल ट्रैक यानी युद्ध करने के लिए मुख्य टैंक जो है वो T-96 है, जो चाइना के पास सबसे ज्यादा मात्रा में, और भारत का मेन बैटल टैंक T-90 भीष्म ये है। अगर हम इन दो टैंक्स की तुलना करें तो T-96 में
780 हॉर्स पावर का इंजन है। T90 भीष्म में 840 हॉर्स पावर का इंजन है। दोनों टैंक में 7.62 mm मशीन गन और 12.7 mm एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल होता है। चाइना के पास 4000 T96 टैंक है, जबकि भारत के पास केवल 2500 की मात्रा में T90 टैंक है। लेकिन भारत के T90 टैंक ज्यादा हॉर्स पावर के होने की वजह से T96 टैंक से काफी ज्यादा गतिमान है। तो दोनों देशों में अगर टैंक्स का सामना हुआ तो ये सामना बराबरी का होगा, ऐसा हम मान सकते हैं। पिछले साल ही चाइना को T96 टैंक को लेके काफी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था, क्योंकि प्रतियोगिता के वक्त उनका टैंक बंद पड़ गया था। इसलिए चीन इन टैंक्स को पहाड़ी इलाकों में ज्यादा आगे तक नहीं लेके जा सकती और मजबूरन उनको इन्हें अपने डिफेंस के लिए इस्तेमाल करना होगा। ऐसे में उन्हें एयर टू सरफेस मिसाइल से टारगेट करके खत्म करना भारत के लिए काफी आसान हो जाएगा। वायु शक्ति की अगर हम तुलना करें तो चाइना के पास 4500 बड़े विमान यानी एयरक्राफ्ट से, 1670 लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट से और 1000 हेलीकॉप्टर है, जबकि भारत के पास 2100 बड़े विमान यानी एयरक्राफ्ट, 670 लड़ाकू विमान यानी फाइटर जेट्स और 700 हेलीकॉप्टर है। चाइना के पास Su-30 MK के, Su-20, J-10, J-16, Su-35, J-20, J-15, Xiang-56 ऐसे लड़ाकू विमान है, और जबकि भारत के पास Su-30 MKI, Mirage-2000, MiG-29, तेजस और जैगवार ऐसे विमान है। और अभी अभी भारतीय सेना में रफाल की भी भर्ती हुई है। दोस्तों, हमला करने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होते हैं वो है अटैक जेट्स यानी लड़ाकू विमान, जो कि चाइना के पास भारत से दुगनी मात्रा में है। लेकिन भारत के Su-30 MKI ये लड़ाकू विमान दुनिया में सबसे सक्षम विमान माने जाते हैं, जबकि चाइना के Xiang-56 लड़ाकू विमान उतने सक्षम नहीं है। उनके क्रैश होने की काफी ज्यादा खबरें आई है। उसके अलावा ऐसा कहा जाता है कि चाइनीज हवाई जहाज ये रशियन हवाई जहाजों की नकल है और लड़ाई में सिद्ध नहीं है। ऐसा माना जाता है कि भारतीय हथियार इन्हें आसानी से गिरा सकते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स के मामले में भी चीनी हेलीकॉप्टर्स क्वालिटी के मामले में काफी नाजुक है। भारत के हेलीकॉप्टर्स ज्यादा शक्तिशाली है और रफाल के आने से भारत की वायु क्षमता कहीं ज्यादा गुना बढ़ जाती है। भारत की वायु सेना भले संख्या में चाइना से कम हो, लेकिन चाइना से ज्यादा मजबूत और सक्षम है। युद्ध जैसी स्थिति में चाइनीज जहाज टिबेट में काफी ऊंचाई होने के कारण ज्यादा ईंधन और ज्यादा हथियार लेकर भी नहीं उड़ सकते। ऐसे में भारतीय विमान उन्हें बहुत आसानी से निशाना बना सकते हैं। इसलिए ऐसा माना जाता है कि अगर युद्ध हुआ तो चीनी सेना को भारत के हाथों बहुत बड़ी शिकस्त मिल सकती है। जल सेना की अगर हम तुलना करें तो चाइनीज जल सेना के पास 700 जहाज है और भारत के पास केवल 300 जहाज है, और साथ ही में चाइना के पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर है, जबकि भारत के पास केवल 1 ही एयरक्राफ्ट कैरियर है, पर एक और बनाने की प्रक्रिया जारी है। चाइना के पास 35 और भारत के पास केवल 11 डिस्ट्रॉयर्स है। अगर हम सबमरीन्स की बात करें तो भारत के पास केवल 20, जबकि चाइना के पास 65 सबमरीन्स है, और दोनों देशों के पास कई सारे पेट्रोलिंग और मर्चेंट जहाज भी शामिल है। चाइना के 65 सबमरीन्स में से 3 सबमरीन्स परमाणु हमले की काबिलियत रखते हैं, जबकि भारत के पास केवल 2 ऐसी सबमरीन है, INS चक्र और INS अरिहंत। भारत का दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी एक और साल में तैयार हो जाएगा, तब दोनों देशों के पास बराबरी के एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे। लेकिन चाइना के पास 3 गुना ज्यादा डिस्ट्रॉयर्स है। चाइना के पास 35 पोर्ट्स यानी बंदरगाहें हैं, जबकि भारत के पास केवल 15। चाइना के पास श्रीलंका के भी कुछ बंदरगाहें हैं, जो फिलहाल सिर्फ व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं, लेकिन समय आने पर चाइना उन्हें भी अपने बचाव के लिए इस्तेमाल करेगा। इन चीजों से ये साफ है कि चाइना की जल शक्ति भारत से कहीं ज्यादा है। लेकिन दोस्तों, चाइना और भारत भले ही एक दूसरे के पड़ोसी हो, दोनों के समुद्री किनारे काफी दूर है, जिस वजह से चाइना के जल सेना को भारत तक पहुंचने में काफी समय लगेगा, और साउथ चाइना सी में चल रहे तनाव के कारण चाइना अपनी नौसेना भारत में नहीं घुसा सकता। भारत की फ्रिगेट्स और डिस्ट्रॉयर्स में ब्रह्मोस एंटीशिप क्रूज मिसाइल और बराक-8 जैसे मिसाइल डिफेंस सिस्टम लगे हैं, जिसका मुकाबला चीनी जल सेना के पास नहीं है। ऐसे में युद्ध की स्थिति में चीनी जल सेना को भी शिकस्त सामना करना पड़ेगा। चाइना के पास ज्यादा सबमरीन होना भारत के लिए खतरे का विषय है, परंतु भारत ने उसके लिए भी अमेरिका से एंटी सबमरीन P-8I एयरक्राफ्ट खरीदे हैं, जो युद्ध होने पर चीनी सबमरीन्स पर काल बनके टूट पड़ेंगे।
इनका इस्तेमाल भारतीय सेना ने लड़ाख में नजर रखने के लिए भी किया था। दोस्तों अगर देखा जाए तो चाइना का सैनिकी बल अंकों में भारत से कहीं ज्यादा है। भारत के पास चाइना के मुकाबले आधुनिक हथियार भी कम मात्रा में है। फिर भी दोस्तों भारतीय सेना चीन को बराबरी का सामना दे सकती है, क्योंकि भारतीय सेना के जवान और अफसर काफी सख्त ट्रेनिंग पास करके सेना में भर्ती होते हैं, पर चाइना की सेना में ट्रेनिंग की काफी कमी है। दोस्तों चाइना में वन चाइल्ड पॉलिसी यानी एक शिशु योजना है। इसके होने के बावजूद चाइना के नियम के अनुसार घर के एक इंसान को कम से कम 2 साल तक सेना की सेवा करनी पड़ती है। इसके वजह से चाइनीज सेना का हौसला हमेशा कम होता है। अगर हम गलवान के घटना की ही बात करते हैं तो केवल 20 भारतीय निशस्त्र जवानों ने 100 से भी ज्यादा चाइनीज सैनिकों को मार गिराया था, जिसके बारे में चाइना के एक सोल्जर ने खुद ही चाइना की पोल खोलते हुए कहा है। दोस्तों भारत के सैनिक और उनका बुलंद हौसला भारत की ताकत को 10 गुना ज्यादा मजबूत बना देता है। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और भारतीय युद्ध नीति के बारे में और जानकारी पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे फिर मुलाकात होगी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय मां भारती।